हेलो दोस्तों, आप ही के अपने चैनल में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो आज मैं बताऊंगा बिजली के बिल कम करने के तरीके, कुछ बिंदु बताऊंगा जिसके आपको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, पहला पॉइंट है कि एलईडी बल्ब का प्रयोग। एलईडी बल्ब कम बिजली की खपत में ज़्यादा रोशनी देते हैं और चलते भी ज़्यादा हैं। एलईडी बल्ब आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या अपने नज़दीकी विद्युत विभाग से भारत सरकार की उजाला योजना के माध्यम से सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं। नंबर दो, सोलर वाटर हीटर। यदि आप स्नान घर में पानी गर्म करने के लिए गीजर का उपयोग करते हैं तो बेहतर है आप अपने घर के ऊपर सोलर वाटर हीटर लगवा लें। इससे आपको ना सिर्फ गीजर के खर्चे की बचत होगी बल्कि हर महीने पानी गर्म करने के लिए खर्च होने वाली बिजली का बिल भी बचेगा। नंबर तीन, स्विच बंद करना याद रखें। आजकल व्यक्ति को खाने की फुर्सत मिले ना मिले, उसके लिए मोबाइल और लैपटॉप जैसे उपकरण चार्ज करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन व्यस्तता और लापरवाही के चलते मोबाइल और लैपटॉप चार्ज तो कर लिए जाते हैं पर स्विच बोर्ड का स्विच बंद करना वे अक्सर ही भूल जाते हैं या टाल जाते हैं। इससे भी बिजली की खपत होती है, भले ही कम होती है लेकिन इसका ध्यान रखते हुए भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकते हैं। नंबर चार है, रेफ्रिजरेटर का ध्यान रखें। फ्रिज सभी के घरों में होता है और सभी मौसम में यूज किया जाता है, अतः इसका ध्यान रखें। फ्रिज को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी है, जिस ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि फ्रिज में जमी बर्फ के कारण फ्रिज अधिक बिजली खाता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल अधिक आता है। और नंबर पाँच है, गर्म खाना फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में कोई भी गर्म चीज़ ना रखें, पहले उसे सामान्य ताप पर आने दें, उसके बाद ही फ्रिज में रखें। और नंबर छठा पॉइंट है, पुराने उपकरणों के बदले। कि सामान्यतः हम बड़े गर्व से कहते हैं हमारा फ्रिज, वॉशिंग मशीन या टीवी 20 साल से 25 साल पुराना है और आज तक उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप एक भ्रम में हैं। बहुत पुराने बिजली के उपकरण ज़्यादा बिजली खाने लगते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल दुगुने से भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए पुराने बिजली के उपकरणों की जाँच अवश्य कराएँ और संभव हो तो उन्हें बदल ही दें। यह एक बड़ा कारण है अधिक इलेक्ट्रिसिटी बिल आने का। और नंबर सात है, किसी भी ऐसे उपकरण को अनप्लग करें जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि जिन उपकरणों का प्लग सॉकेट में लगा हुआ होता है वे बंद होने पर भी ऊर्जा का उपयोग करते रहते हैं, यहाँ तक कि यदि कॉफी पॉट की तरह एक छोटे उपकरण का भी प्लग भी सॉकेट में लगा हो वो तब भी धीरे धीरे ऊर्जा का उपयोग करता रहता है, फिर चाहे कॉफी बनाने के लिए उसका प्रयोग काफ़ी समय पहले किया गया हो। आज के ये सात पॉइंट आपको ध्यान से सुन लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।